पूरे देश के साथ ही संगम नगरी प्रयागराज में भी दशहरे का पर्व भी बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। बुराई पर अच्छाई की जीत के पर्व पर कोरोना का खौफ भी साफ तौर पर दिखाई दिया। कोरोना के चलते इस बार बरगद घाट के बजाय पजावा रामलीला कमेटी मैदान में रावण के पुतले का दहन किया गया। मुख्य अतिथि आईजी रेंज केपी सिंह और एसपी सिटी प्रयागराज दिनेश सिंह ने 35 फीट ऊंचे इको फ्रेंडली रावण के पुतले का दहन कराया। पुतला दहन के बाद आईजी केपी सिंह ने भगवान श्री राम की आरती भी उतारी। इस मौके पर आईजी केपी सिंह ने कोरोना की महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए लोगों से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की भी अपील की। 19 को देखते हुए रावण वध का कार्यक्रम दशमी के दिन आज हम लोगों ने पजावा रामलीला कमेटी ने मनाया है। भगवान को साक्षी मानते हुए हम लोगों ने रावण का वध किया। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, कोविड का ध्यान रखते हुए, मुंह में मास्क लगाते हुए सभी प्रकार की वही राम नगरी अयोध्या में भी दशहरे का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान ग्रीन पटाखे से तैयार किए गए रावण का दहन किया गया। लगभग 55 फीट ऊंचे रावण को कम प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए खास तौर पर दिल्ली में तैयार करके मंगवाया गया था। अयोध्या के रामलीला कैंपस में इस रावण की प्रतिमा को लगाया गया और रामलीला में जैसे ही रावण का वध हुआ उसी के बाद इस रावण का दहन कर दिया गया। वही अभिनेता रजा मुराद ने देशवासियों को दशहरा की शुभकामनाएं दी। और सीख ये है कि आप कितने भी बलशाली, कितने भी शक्तिशाली आप क्यों ना हो, अंत में सच्चाई के आगे, अच्छाई के आगे आपको पराजित होना पड़ता है। और एक बहुत बड़ी सीख है कि रावण एक बहुत ही बलशाली, शक्तिशाली विद्वान था, वो बहुत बड़ा विद्वान था, राजा था। जीवन में उसने एक गलती की कि किसी पराई स्त्री पर, किसी पराई विवाहित स्त्री पर उसने हाथ डालने की कोशिश की और वहीं से उसका पतन शुरू हुआ। तो ये सीख है, जब रामलीला खेली जाती है तो जितने भी दर्शक होते हैं उनका मनोरंजन भी होता है, उनकी नॉलेज भी बढ़ती है और साथ साथ ये भी सीख है कि भाई बुरे कामों से दूर रहो, बुरे कामों का बुरा नतीजा होता है। कभी किसी भी पराई स्त्री पर, विवाहित स्त्री पर कभी बुरी नजर मत रखो, वरना जो अशुद्ध एक बलशाली, एक प्रभावशाली, एक विद्वान, एक राजा रावण था, वही तुम्हारा। सर, हमें अपने जीवन में प्रभु श्री राम के आदर्श चरित्रों का पालन करना चाहिए और हमें आज दशहरे के दिन में हमें ये सीख लेनी चाहिए रावण से कि अहंकार कभी किसी का नहीं टिकता है। चाहे आपकी कितनी भी पड़ी पदवी हो, कितना भी बड़ा आपका औचित्य हो, लेकिन अगर आपके अंदर अहंकार आ गया तो आपका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो हमें रावण से ये सीख लेनी चाहिए और प्रभु श्री राम जी के चरित्र से ये हमें सीख लेनी चाहिए कि एक मर्यादित जीवन जीने का जो है, अगर कुछ सीखना है तो प्रभु श्री राम के चरित्र से हमें सीखना चाहिए। आपको बता दें कि राम नगरी अयोध्या में राम मंदिर की नींव रखे जाने के बाद पहली बार बड़े स्तर पर रामलीला का आयोजन किया गया था। सरयू तट स्थित लक्ष्मण किला के प्रांगण में चल रही फिल्मी कलाकारों की रामलीला को देश भर में खूब पसंद किया गया। प्रयागराज से सैयद रजा और अयोध्या से संजीव आजाद की रिपोर्ट।